नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न वे केआर। सो फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स टू वॉच फॉर टुडे विल डिस्कस अबाउट स्टॉक्स व्हिच विल बी इन हाई मोमेंटम, हाई वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट न्यूज अटैच्ड टू देम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी, सबसे पहली कंपनी है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से न्यूज आ रहा है, रिपोर्ट किया है कंपनी ने, दैट दे आर प्लानिंग टू रीज 3,000 करोड़ वाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। यहाँ क्यूआईपी की बात हो रही है, फंड रेजिंग की बात हो रही है, एंड क्यूआईपी का प्राइस जो है इज लाइकली टू रिमेन अराउंड 90 to 91 रुपीज में। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस है, इट कम्स एट 3 to 4% डिस्काउंट टू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 94.25 ऑन अक्टूबर 3। सो ये डिस्काउंट में आ रहा है, सो इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आया है। सो मूविंग टू द सेकंड कंपनी फॉर टुडे, दैट इज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जबकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज इन एफएनओ बैन लिस्ट में है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्लेस एंड एफएनओ बैन ऑन एनएससी फॉर अक्टूबर 4। ओके, मूविंग टू द थर्ड कंपनी, दैट इज मारुति सुजुकी, एंड उनकी तरफ से अपडेट आया है दैट ऑटोमोबाइल मेजर मारुति सुजुकी ऑन अक्टूबर 3 इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज दैट इट हैज रिसीव्ड अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फॉर पेंडिंग ड्यूज ऑफ अमाउंटिंग 2,160 करोड़ फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया है, पेंडिंग ड्यूज अमाउंट बताया गया 2,160 करोड़ का। सो ये भी सुर्खियों में रहेगा आज, सो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी नेस्ले, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है नेस्ले की तरफ से, दैट इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 19 अक्टूबर 2023 को, और उस मीटिंग में वो अनाउंस करेंगे रिजल्ट, डिविडेंड एंड स्प्लिट को लेकर के बात किया। कंप्लीट अपडेट व्यू में मेरे लास्ट वीडियो में अवेलेबल है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज वेदांता, एंड वेदांता को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है दैट अनिल अग्रवाल, वेदांता रिसोर्स इज एन एडवांस टॉक विथ जेपी मॉर्गन चेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टू सिक्योर $3 बिलियन रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू स्टेव ऑफ डिफॉल्ट। सो यहाँ पर कर चुकाने की बात हो रही है कि कैसे कर चुकाएंगे, डिफॉल्ट कैसे करेंगे, तो डिफॉल्ट जो होने वाला है, जो हो सकता है, उसको उससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो जेपी मॉर्गन एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात हो रही है। और इसके अलावा जो है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द माइनिंग एंड मेटल कॉन्ग्लोमरेट हेल्ड मीटिंग विद सेवरल लार्ज बैंक अक्रॉस यूरोप एंड इन यूएस ओवर द पास्ट फ्यू वीक। सो ये डेट की बात हो रही है, किस तरीके से डेट को यहाँ पर सिर्फ डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी, जो आपका टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स की तरफ से अपडेट आ रहा है दैट टाटा मोटर की सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज फाइल्ड एन एडेंडम टुडे विद सेबी टू इट्स DRHP। यहाँ पर आईपीओ की बात हो रही है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ ऑन द स्ट्रीट, टाटा टेक सेट इट विल ऑफर 9.57 करोड़ शेयर इन इट्स प्लान इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर शेयर अकॉर्डिंग टू द अडेंडम फाइल विद सेबी। सो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, टाटा टेक का आईपीओ की बात हो रही है, इससे भी रिलेटेड वीडियो लास्ट मैंने बनाया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल रहेगा आज के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी जो है, नॉट कंपनी, इट्स अबाउट डाउ जोन्स फॉल ओवर 400 पॉइंट्स। डाउ जोन्स में कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 400 पॉइंट, 400 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिला था, देख सकते हैं 430.97 का गिरावट देखने को मिला था। रीजन क्या क्या था, क्योंकि यूएस जॉब ओपनिंग रोज मोर देन एक्सपेक्टेड इन अगस्त, तो यूएस का जॉब डेटा आया था जो कि ज्यादा, जितना एक्सपेक्ट किया था किया गया था उससे ज्यादा ऊपर बढ़कर आया डेटा, इस कारण से जो रहता है इन अगस्त, इन येट अनदर साइन ऑफ रेजिलिएंट इकोनॉमी दैट सजेस्ट इंटरेस्ट रेट विल बी हायर फॉर लॉन्गर। तो यहाँ पर उस चिंता के कारण कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है फॉर लॉन्गर, इस कारण से मार्केट जो रहता है उसको बहुत ही नेगेटिव लिया, डाउ जोन्स में लगभग 430.97 का गिरावट देखने को मिला, नैस्डेक में 248 लगभग 1.87% का गिरावट है, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स उनका देखिएगा तो 1.82। तो कल काफी ब्लड बाथ हुआ है यूएस मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिला है। सो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, आज का डे बहुत क्रिटिकल रहेगा फॉर इंडियन मार्केट आल्सो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ऑल प्रेस एंड ऑफ, थैंक यू।